In this video, we will learn about the class component. So first of all, create a file called classdemo.jsx. And here we have to import the React from React. So here we have to create a normal JavaScript class like class and then component name as class demo, right? This is a simple syntax for creating a class component. अब यहाँ पे हम लोग जो class component बनाए हैं, अब ये direct class component काम नहीं करेगा जब तक कि हम लोग इस class component को extend नहीं कर लेते हैं component class से, right? अब यहाँ पे जब component class से extend करना है, तो मुझे use करना पड़ेगा extends and then react dot component, right? अब ये जो हमारा क्लास है, इस क्लास के अंदर में एक कंपलसरी फंक्शन होना जरूरी है और उस फंक्शन का नाम है रेंडर, एंड दिस रेंडर फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू रेंडर द जेएसएक्स एलिमेंट, राइट? सो इनसाइड द रेंडर फंक्शन वी हैव टू रिटर्न द जेएसएक्स एलिमेंट. सो इनसाइड रिटर्न वी कैन राइट हियर द जेएसएक्स एलिमेंट दैट दिस इज माई क्लास कंपोनेंट, राइट? अब यहां तक तो हमारा काम हो गया. अब आप यहां पे जो लिखना चाहते थे कि क्लास कंपोनेंट को हम लोगों को एक्सटेंड करना था, तो आप अगर इसको नहीं यूज करना चाहते हो इस तरह से, तो आप डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकते हो रिएक्ट एंड देन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस राइट डाउन द कंपोनेंट क्लास, राइट? अब ये जो क्लास बन गया, अब ये क्लास हमारा इससे कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? अब इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल से. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एंड देन कंपोनेंट नेम द क्लास डेमो. नाउ दिस क्लास डेमो कंपोनेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड द इंडेक्स डॉट जेएस. अब यहां पे हमारा काम क्या है, इंपोर्ट एंड देन क्लास डेमो फ्रॉम कंपोनेंट क्लास डेमो, राइट? अब ये जब हमारा इंपोर्ट हो गया, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं क्लास डेमो को, और यहां पे मैं यूज कर लेता हूं क्लास डेमो एंड देन क्लोज. अब यहां पे देखो आपको एक प्रॉब्लम आएगा कि आप दो एलिमेंट को यहां पे एक साथ रेंडर नहीं कर पाओगे, केवल एक ही एलिमेंट को आप रेंडर कर पाओगे. अब इसके लिए आपको एक पैरेंट टैग यूज करना पड़ेगा, और पैरेंट टैग की जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं सपोज div, राइट? और इस div के अंदर इस दोनों कंपोनेंट को डाल देते हैं, राइट? सो इट बिकम्स द चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ द div टैग. अब यहाँ पे हमारा काम हो गया है. सबसे पहला काम था हम लोगों को कि एक क्लास बनाना था जो नॉर्मल क्लास है जावास्क्रिप्ट का, और उसके अंदर हम लोगों को क्लास कंपोनेंट को एक्सटेंड करना था, पहला काम. दूसरा काम कि इस क्लास के अंदर हम लोगों को एक रेंडर फंक्शन डिफाइन करना था, और इस रेंडर फंक्शन के अंदर हम लोगों को रिटर्न करना था जेएसएक्स एलिमेंट को. जब ये पूरा काम हमारा हो जाएगा, तो लास्ट में हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे सो दैट वी कैन यूज इट इनसाइड अनदर फाइल, राइट? अब यहाँ पे मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया और क्लास डेमो को यहाँ पे यूज कर लिया. अब इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आया. सो वी हैव गॉट द आंसर, दिस इज माय क्लास कंपोनेंट, राइट? अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि कब हम लोग फंक्शन कंपोनेंट को यूज करें और कब हम लोग क्लास कंपोनेंट को यूज करें. अब ये फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. टिल देन, बाय बाय. We will see you in the next video.